आदर प्रणाम, मैं शुभम शर्मा। आज प्रस्तुत विषय की COVID-19 की बात वैश्विक अर्थव्यवस्था नई चुनौतियां या अवसर के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए यह वीडियो संदेश जारी कर रहा हूं। साथियों, हर आपदा त्रासदी महामारी हमें कोई ना कोई संदेश जरूर देकर जाती है। अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, जिसमें जर्मनी की बुरी तरह पराजय हुई थी, वहीं जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध में एक दीप प्रज्वलित जिस प्रकार होता है उस प्रकार उठकर खड़ा हुआ, वे बड़े बड़े देशों के सामने भौंहें तान कर खड़ा हुआ। बात करें अगर वर्ष 1918 में फैली हैजा बीमारी की, उसके बाद विश्व में एक नई सीवेज सिस्टम प्रणाली का जन्म हुआ। इसी प्रकार इस बार एक वायरस रूप में हमारे सामने ये अवसर अवतरित हुआ है। इससे पहले छोटे देश जैसे कि क्यूबा, जिनके राष्ट्राध्यक्षों को कभी किसी सम्मेलन में बैठने के लिए बुलाया तक नहीं जाता था, आज वे देश हमारे सामने अपने देश में इस बीमारी के रोकथाम के कारण पूरे विश्व में सम्मान का पात्र व चर्चा का विषय बने हुए हैं। बड़े बड़े महाशक्तियों जैसे यूएस, जैसे कि अमेरिका, चीन इत्यादि ने अपने देशों में हथियार के दम पर अपने सशस्त्रीकरण होने का दावा तो किया और खुद को महाशक्ति भी करार दिया, परंतु कभी देश के बुनियादी चिकित्सा के ढांचे के बारे में जरा भी परवाह नहीं की। इसी का नतीजा है कि यह देश आज जब चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने की बारी आई तो बुरी तरह डगमगाकर सबके सामने गिर गए। कभी हम में से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी इस प्रकार की भाषण प्रतियोगिता में ऑनलाइन भाग ले सकेंगे, परंतु यह एक अवसर के रूप में हमारे सामने आया है क्योंकि यह बीमारी उत्पन्न हुई है और हम इस प्रतियोगिता में भाग ले पा रहे हैं ऑनलाइन। ऐसा नहीं कि सब कुछ रुक गया है, दुनिया चल रही है। हाँ, दुनिया के चलने का एक तरीका बदल गया है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया है। बात करें अगर ऑनलाइन शिक्षा की, ऑनलाइन वस्तुओं की डिलीवरी की, सब कुछ बदल सा गया है, परंतु हाँ सब कुछ चल रहा है, पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से आगे चलने की संभावना भी है। पहले कभी किसी देश ने अपने देश के आमजनों या गरीबों के प्रति खाद्य पदार्थों को लेकर इतनी चिंता कभी नहीं दिखाई जितनी अवस्था में दिखाई जा रही है। बात करें अगर भारत जैसे देशों की, जहाँ पहले पीपीई किट्स यानी कि निजी सुरक्षा कवच बिल्कुल नहीं बनते थे, वह देश आज इन किट्स के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आकर खड़ा हुआ है पूरे विश्व में। बात करें अगर रोजगार की, रोजगार जा रहे हैं तो रोजगार के तौर पर अगर हम देखें तो आज विदेशी कंपनी आ गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हमारे देश में निवेश करने को लेकर इच्छुक हैं। वह कई कंपनियों ने चीन से आप पीछे खींचकर भारत की तरफ दोस्ती का आगाज बढ़ाना शुरू भी कर दिया है। निश्चित है इससे भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वह रोजगार सृजन अवश्य होगा जो पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी का एक बहुत ही बड़ा दंश झेल रहा है। सब कुछ तकनीकी होता जा रहा है तो तकनीक के क्षेत्र में कई चीज़ें नई नई आने की पूरी पूरी संभावना है। हम लोग पहले से मितव्ययी हो गए हैं, मैं ये भी कहूँगा पहले से कम खर्च करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। हम अपने समय को ज़्यादा प्रोडक्टिव और खुद पर आश्रित होकर जो प्रोडक्टिव बनाना सीख गए हैं। प्रकृति के प्रति हमारी कद्र बढ़ी है। बात करें रुकावटों की तो यह मंजिल इतनी आसान भी नहीं है, कई लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है इस कांटों भरी डगर में। बात करें तो हो सकता है कि आने वाला कोई भी अगर युद्ध हो तो उसका जो परिदृश्य होगा, हो सकता है वो चिकित्सकीय ढांचे पर आधारित हो। सभी देश अपने अपने देशों में कंपनियों को लुभाने के लिए आर्थिक तौर पर अपना सशक्तिकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। वह इसके लिए देश में, दुनिया में, विश्व भर में एक नई आर्थिक जंग भी छिड़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो हालांकि अगर पूरा विश्व एक मानवीय है, वह मानवता के आधार पर अगर सारे मतभेदों को बुलाकर एक हो जाए, वह एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़े, तो विश्व में यह बीमारी बाद में एक अवसर के तौर पर ज़्यादा याद की जाएगी, ना कि अवसाद के तौर पर। धन्यवाद।